24 फरवरी 2023 क्रिकेट की टॉप थ्री खबर आपके सामने। नंबर 3, ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगा बड़ा झटका, तीसरे टेस्ट मैच से पैट कमिंस हो गए बाहर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान पैट कमिंस तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। कमिंस को तीसरे टेस्ट से पहले रविवार को भारत वापस लौटना था, लेकिन वो कुछ समय तक परिवार के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि उनकी मां की तबीयत ज्यादा ही गंभीर है। पैट कमिंस की जगह अब स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया गया है। कमिंस ने कहा, मैंने इस समय भारत नहीं लौटने का फैसला किया है क्योंकि मेरी माँ बीमार है और उनकी हालत गंभीर है। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ अपने परिवार के साथ होना सबसे अच्छा है। नंबर 2, सेमीफाइनल में फिर टूटा भारतीय फैंस का दिल। याद आ गया 2019 का विश्व कप, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारतीय टीम विश्व कप से बाहर हो गई है। इस मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 52 रन के स्कोर पर रन आउट हो गई और यहीं से भारत मैच हार गया। हरमनप्रीत के इस रनआउट ने 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल की याद दिला दी, जब धोनी के रन आउट होने के बाद भारत मैच हार गया था। 2019 पुरुष वनडे विश्व कप का सेमीफाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच था। न्यूजीलैंड टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 239 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं थी, लेकिन धोनी ने शानदार अर्धशतक लगाकर मैच बना दिया था। भारत को जीत के लिए आखिरी 10 गेंद में 25 रन की जरूरत थी। धोनी जैसे बल्लेबाज के लिए ये नया नहीं था, वो ऐसे हालातों से कई बार भारत को जीत दिला चुके थे। हालांकि धोनी 2 रन लेने की चक्कर में रन आउट हो गए और टीम इंडिया 18 रन से मैच हार गई। ठीक इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरमनप्रीत रन आउट हो गई और वैसे ही जैसे 2019 विश्व कप भारत हारा था, फिर से वैसे ही भारत को हार मिली। नंबर 1, बाबर आजम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरी तरह चिढ़ गए। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम दुनिया के सबसे टैलेंट बल्लेबाजों में से एक है। बाबर आजम लगातार रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और कुछ ऐसा ही वो PSL 2023 में भी कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 12वें मैच में भी बाबर ने नाबाद 75 रनों की पारी खेली। हालांकि उनकी टीम 6 विकेट से मैच हार गई। इस हार के बाद बाबर आजम से ऐसा सवाल पूछ लिया गया कि उनका खून खोल गया। दरअसल बाबर आजम से एक बार फिर उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल पूछा गया और इस पर उन्होंने अपना बहुत ही अजीब रिएक्शन दिया। मैच के बाद बाबर आजम से पूछा गया, आपका कवर ड्राइव पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आपके स्ट्राइक रेट को लेकर काफी बातें होती है, क्या आप इसे सुधारने के लिए कुछ करेंगे? इस सवाल के बाद बाबर आजम ने रिपोर्टर से पूछ लिया कि आपको कितना स्ट्राइक रेट चाहिए, 300 चलेगा? बाबर आजम ने कहा, पहले 10 ओवर तक मेरा स्ट्राइक रेट 160 से ज्यादा था, लेकिन जब 6 विकेट गिर गए हो तो आप कोशिश नहीं करेंगे कि मेरा स्ट्राइक रेट 200 हो जाए। वहाँ पार्टनरशिप बनाने की जरूरत थी, जब विकेट गिरते हैं तो स्ट्राइक रेट नीचे आ ही जाता है। क्रिकेट से जुड़ी टॉप खबर हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।